कैसे हैं बच्चों आप सब? तमाम बच्चे अपनी सिंधी किताब खोल लें। आज हम सबक पढ़ेंगे सेहत आए सफाई। सिंधी की किताब में एक सबक है सेहत आए सफाई, यानी सेहत और सफाई। गुल्लू है एक लड़के का नाम। गुल्लू कहड़ो ना गिदलो थो डिसण में अचन। गुल्लू कितने गंदे नज़र आ रहे हो। माँ समझा तो मैं समझता हूँ तबिन टिन डी खां वेंझण भा छड़ी डिनो अथई। मैं समझता हूँ कि दो तीन दिन से नहाना भी छोड़ दिया है। डिस्ता तो माँ केहड़ी ना किन्नी बांस पई अचे। देखो तो तुम में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। शायद डंदण भा को ना डींदो आहियन। दंदड़ कहते हैं मिसवाक, शायद मिसवाक भी नहीं करते हो। कपड़ा बा केड़ा नाम मेरा अथई। कपड़े भी कितने मैले हैं। परे थी बीह दूर होकर खड़े रहो। चवियन प्यो त कह रहे हो के मथे में सूर आए। तप अथम कह रहे हो कि सर में दर्द और बुखार है। सो छो ना थींदोए तो क्यों नहीं होगा। यो सब गिदलाई खां थियो अथई। ये सब गंदगी से हुआ है। हाणे बुध अब सुनो। सुबह थिए त डंदर डिजे। सुबह हो तो दांत मिसवाक करो। ताज़े पानी सा वेंझण खपे। ताज़े पानी से नहाना चाहिए। कपड़ा साफ पाए जन कपड़े साफ पहनने चाहिए। हरू भरू बिला वजह उच्चन कपड़न पहरन जी का ज़रूरत का ना है। बिला वजह महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उच्चन से मुराद है बहुत ज़्यादा महंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ा सादा ही उज्जन पर अच्छा उजरा हुजन। कपड़े सादे ही हों लेकिन पर का मतलब है लेकिन साफ सुथरे हों। सफाई कंदन तो सबको प्यो भाइंदे। सफाई करोगे तो सबको पसंद आओगे। साफ रहन करे बीमारी बवेजी ना इंदी। साफ रहने से बीमारी भी करीब नहीं आएगी। सदाइन तंदुरुस्त गुजारिंदन और हमेशा तंदुरुस्त गुजारोगे। तंदुरुस्त गुजारने से मुराद यहाँ ज़िंदगी है। हमेशा तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारोगे। जेकड़न तो के पहनी सेहत जो ख्याल आए ता अगर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है तो जिय तो के चयो अथम जैसा तुम्हें कहा है तिया वनी कज वैसा जा के करना। बेटा इस चैप्टर से मुराद है हमें सेहत और सफाई के बारे में बताया गया है कि गुल्लू जो है उसके सर में दर्द रहता था, बुखार रहता था, उसमें से बदबू भी आती थी। वो मतलब ये सब इसे गंदगी की वजह से हो रहा था। तो इस सबक में हमें ये बताया गया है कि हमें अपनी सेहत का सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सफाई होगी तो सेहत होगी। ठीक है, इसके लिए हमें रोज़ाना सुबह जो है दांत साफ़ करने चाहिए, ताज़े पानी से नहाना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।